Hello dear all, welcome to our channel Smart Indian Model School. Smart Indian Model School presents Smart Indian EduFun classes. EduFun online classes includes course Studies of Playgroup 2 Class 12, Emotional and Communication Skills, Happiness Classes and DIY Activities. Hello bachcho, welcome back to English class. Bachcho, today we will be studying a new chapter from our course book Stepping Stones. It is the fourth chapter of our book and it is a beautiful story of a little girl. The name of the story is Alice in Wonderland. This is the part 2 of video in which I will be explaining you the remaining story of Alice in Wonderland. अभी तक हमने पढ़ा था कि जो एलिस थी वो 9 feet टॉल हो गई थी, वो रोने लगी थी और रोते रोते वो इतना ज़्यादा रोई थी कि उसने 4 inches डीप पूल उसके आंसुओं से बन गया था. और तभी वो अचानक से देखती है वहाँ पे वाइट रैबिट आता है और वो बड़बड़ा रहा होता है कि ओ द डचेस ओ द डचेस, और वो उससे नाराज़ हो जाएंगी अगर जो रैबिट है उनको इंतज़ार करवाएगा. तो एलिस ने सोचा क्यों ना मैं इस रैबिट से हेल्प ले लूँ. तो इतना हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था, अब हम इसमें कंटिन्यू कर रहे हैं. प्लीज एक्सक्यूज मी सर, शी सेड इन अ शाय एंड क्वाइट वॉइस. मतलब बहुत प्यार से शर्माते हुए उसने कहा प्लीज एक्सक्यूज मी सर. ऐसे कि हम किसी से कहते हैं ना रिक्वेस्ट करने के लिए, जब हम पहली बार बात करते हैं तो बहुत प्यार से बात करते हैं, तो वैसे ही वो उससे कहती है ओ प्लीज एक्सक्यूज मी सर. तो रैबिट ने जैसे ही एलिस को देखा वो डर गया. क्यों? क्योंकि एलिस तो इतनी बड़ी हो गई थी और कोई भी इतने बड़े इंसान को देखेगा तो वैसे भी डर जाएगा, और वो तो फिर भी छोटा सा रैबिट था. यहाँ देख सकते हैं आप, छोटा सा रैबिट था तो वो तो उसे देख करके भागेगा ही डर के मारे. तो अब क्या हुआ, रैबिट को जो था वो बहुत ज़्यादा डर लग गया उसको देख करके. रैबिट के हाथ में जो ग्लव्स थे, जो उसके हाथ में ये देखो यहाँ पे जो छोटे छोटे ग्लव्स थे दो और एक बड़ा सा फैन था, वो उसके हाथ से छूट गया और वो बाहर की तरफ भागने लगा. ही रैन डाउन द डार्क हॉल एज फास्ट एज ही कुड. और जितनी तेज वो भाग सकता था वहां से वो भागने लगा. एलिस ने वो फैन को उठा लिया. अब जब ये रैबिट बाहर चला गया ये सब सामान यहाँ फेंक करके, तो एलिस ने क्या किया, एलिस ने उस फैन को उठा लिया. पिक्ड अप मींस उठा लेना. वेल वेल, हाउ स्ट्रेंज एवरीथिंग इज टुडे, डिड आई चेंज ड्यूरिंग द नाइट, वॉज आई द सेम व्हेन आई वॉक इन द मॉर्निंग, इफ आई एम नॉट द सेम द क्वेश्चन इज हु एम आई. अब एलिस क्या है, अब एलिस अपने आप से बातें करने लगती है, कहती है फैन उठा लेती है, ये फैन उठा लेती है और सोचने लगती है कि ये क्या हो रहा है, आज सब कुछ इतना अजीब क्यों हो रहा है, क्या मैं रात भर में बदल गई हूँ, ऐसा कुछ हुआ है कि मैं रात को चेंज हो गई हूँ, क्या मैं पहले जैसी हूँ या जैसे मैं उठी थी सुबह में, क्या मैं वैसी ही हूँ. क्योंकि रैबिट जो था उसको देख के भाग गया था, वो इतनी लंबी भी हो गई थी, तो वो सोच रही है कि मेरे साथ क्या अजीब अजीब घटनाएं हो रही हैं, मैं बदल गई हूँ, रात में बदल गई थी, मैं सुबह को जब उठी थी तो क्या मैं ऐसी ही थी या मैं वो नहीं हूँ जो पहले थी, तो अगर ऐसा कुछ है तो मैं हूँ कौन आखिर. अब वो क्या है, वो खुद ही को नहीं समझ पा रही कि उसके साथ ये सब क्या हो रहा है. वो कभी छोटी हो जाती है, कभी बड़ी हो जाती है, तो वो खुद ही नहीं समझ पा रही कि ये क्या हो रहा है. तो वो अपने आप से क्वेश्चन करती है कि मैं आखिर हूँ कौन. She was surprised to see that she had put on one of the rabbit's gloves while she was talking. जब वो अपने आप से ऐसे बातें कर रही थी तभी वो उसे पता नहीं था कि उसने कब रैबिट के ग्लव्स उठा लिए और उनको पहन लिया. तो वो अचानक से देखती है, सरप्राइज हो जाती है, चौंक जाती है देख करके कि उसने रैबिट के ग्लव्स को पहन लिया है. और वो अचानक से देखती है, हाउ कैन आई हैव डन दैट, ऐसा कैसे हो गया, ये मैंने जो ग्लव्स उठा के पहन लिए ये मैंने कब उठा के पहन लिए, मेरे को तो कुछ पता ही नहीं चला कब ऐसे हो गया. दिस मीन्स आई मस्ट बी ग्रोइंग स्मॉल अगेन. और मुझे ऐसा लग रहा है जब ये जो छोटे छोटे रैबिट के ग्लव्स थे ये मेरे हाथों में आ गए, यानी कि मैं छोटी हो रही हूँ दोबारा से. क्योंकि छोटे छोटे तो ग्लव्स थे ना रैबिट के ग्लव्स रैबिट के आ सकते थे, इतनी बड़ी लड़की के कैसे आ जाते. और अगर इतनी बड़ी लड़की के ग्लव्स आने लगे थे यानी कि वो जो गर्ल थी वो छोटी होने लगी थी. और इसीलिए फिर वो कहती है, ओ अच्छा इसका मतलब मैं अब छोटी होने लगी हूँ दोबारा से. शी गॉट अप एंड वेंट नियर द टेबल. वो जल्दी से उठती है और टेबल के पास जाती है. क्यों? चाबी उठाने जाएगी और दूसरा
उसे बाहर भी जाना था गेट के, तो वो फटाफट से उठती है चाबी उठाने के लिए और वो देखती है कि उसकी हाइट जो है वो इतनी छोटी हो गई है कि अब वो सिर्फ 1 फुट की रह गई है। अभी पहले कितने थी, 10 इंचेस की हुई, फिर 9 फीट टॉल हो गई, अब वो छोटी होकर फिर से 1 फुट की रह गई है और बहुत तेज़ी से वो छोटी 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 होती जा रही थी। नाउ फॉर द गार्डन, सेड एलिस, बट द लिटिल डोर वॉज क्लोज एंड द गोल्डन की ले ऑन द टेबल। अब एलिस के सोचती है अब मैं छोटी हो गई हूँ तो मैं बिल्कुल पक्का से गार्डन में जा सकती हूँ इस दरवाजे से, लेकिन वो फिर क्या नोटिस करती है कि उसने चाबी तो उठाई ही नहीं और वो फिर से छोटी सी हो गई और जो गोल्डन की थी वो टेबल पर थी और जो दरवाज़ा था वो लॉक था। अब वो बाहर कैसे जाए, अब वो क्या करे, उसके साथ फिर वही प्रॉब्लम हो गई कि अब वो फिर से छोटी हो गई और वो उसने टेबल पर से चाबी तो उठाई ही नहीं। तो अब आगे क्या हुआ होगा आप बता सकते हो? अगर बता सकते हो तो मुझे कमेंट करो और नहीं बता सकते तो मेरी अगली वीडियो वॉच करो। ओके, बट डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए कृपया बेल बटन दबाएं और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल ऑफ एडुफन क्लासेस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।